जी मैं हूं बीएस और आप देख रहे हैं बीएस फिल्म्स प्रोडक्शन। और इस लेक्चर में हम सीखेंगे अडोब प्रीमियर प्रो के इफेक्ट कंट्रोल को। इफेक्ट कंट्रोल के अंदर हमें हर एक चीज का कंट्रोल मिलता है, हम किसी भी चीज को मॉडिफाई कर सकते हैं। मैं यहां से न्यू प्रोजेक्ट कर लेता हूं, यहां से हम कुछ वीडियोस को सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपके पास इफेक्ट कंट्रोल का पैनल शो नहीं हो रहा तो आप विंडो के ऊपर क्लिक करेंगे और यहां से इफेक्ट कंट्रोल के ऊपर माउस से लेफ्ट क्लिक कर देंगे। इफेक्ट कंट्रोल का पैनल हमें यहां पर दिखाई देगा। अब हम अपनी टाइमलाइन के ऊपर किसी भी वीडियो फाइल को सिलेक्ट करते हैं, इसकी टोटल इंफॉर्मेशन हमें इफेक्ट कंट्रोल के अंदर दिखाई देती है। फर्स्ट नंबर पे हमें दिखाई देता है मोशन, सेकंड नंबर पे पोजीशन, थर्ड नंबर पे स्केल और नीचे रोटेशन, एंकर पॉइंट, एंटी फ्लिकर और यहाँ पर कुछ मास्क क्रिएट करने के ऑप्शन दिए गए हैं और ओपेसिटी मिल जाती है इसके नीचे और ब्लेंड मोड मिल जाता है, टाइम रिमैपिंग का ऑप्शन मिल जाता है। ये सभी चीजें हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। अगर हम अपने टाइमलाइन पैनल को देखें तो कुछ इसी तरह का इफेक्ट कंट्रोल के पैनल के अंदर भी एक टाइमलाइन का पैनल दिखाई दे रहा है। ये देखें यहाँ पर ये टाइमलाइन का ऑप्शन है और सेम वैसे ही जैसे हमारी टाइमलाइन पैनल के अंदर प्ले हेड का ऑप्शन है ऐसे ही इसके अंदर भी प्ले हेड का ऑप्शन है, बट इसके अंदर ऑडियो वीडियो वाली लेयर्स नहीं है। जस्ट इसके अंदर ये पोजीशन की लेयर है और इसके नीचे स्केल की लेयर है। ऐसे यहाँ पर आप पॉइंट करके अपनी क्लिप को स्केल या पोजीशन को लेफ्ट राइट अप डाउन मूव कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे हमें पोजीशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, पोजीशन से हम अपने क्लिप की पोजीशन को मूव कर सकते हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन करना चाहते हैं किसी भी साइड पे, ये आप देख सकते हैं। ये देख अप डाउन और लेफ्ट राइट किसी भी साइड पे आप इसको मूव कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसको रीसेट कर देता हूं। बिल्कुल इसके सामने ये आपको रीसेट पैरामीटर का आइकन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर अगर आप माउस से लेफ्ट क्लिक करते हैं तो ये रीसेट हो जाता है। उसके नीचे हमें मिलता है स्केल, स्केल के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आपको एक आइकन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर अगर आप माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो स्केल का पैरामीटर आ जाएगा। इसको पकड़कर आप लेफ्ट राइट साइड पे स्केल कर सकते हैं। अगर हम लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो हमारी वीडियो जूम आउट हो रही है, अगर हम राइट साइड पे मूव करेंगे तो हमारी वीडियो जूम हो रही है। और इसके अलावा अगर आप इसकी काउंटिंग के ऊपर कर्सर लाते हैं तो ये देख रहे हैं आप इसका आइकन चेंज हो जाता है। इसके ऊपर आप माउस से लेफ्ट क्लिक करके रखेंगे और अब अगर हम माउस को लेफ्ट राइट साइड पे मूव करते हैं तो फिर भी ये स्केल हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। और बिल्कुल इसके सामने आपको फिर से एक रिसेट पैरामीटर का आइकन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर अगर आप माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये स्केल जो है रिसेट हो जाएगा। और इसके नीचे एक सिंक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अगर हम इसके चेक मार्क को हटा देते हैं अब अगर हम स्केल को मूव करेंगे तो एक पोजिशन को मूव कर पा रहे हैं हम। इसको मैं फिलहाल रीसेट कर देता हूं। अगर हम इसका चेक मार्क ऑन कर देते हैं अब अगर मूव करेंगे तो दोनों एक्सिस इसके मूव हो रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। इसको फिर से मैं रीसेट कर देता हूं। और अगर हम मोशन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको प्रोग्राम प्लेबैक मॉनिटर के अंदर ना ये देखें एक बॉक्स बना हुआ दिखाई दे रहा है और इसके बिल्कुल सेंटर में एक आइकन दिखाई दे रहा है। ये जो आइकन है बेसिकली ये एंकर पॉइंट है। इस एंकर पॉइंट को अगर हम पकड़ के लेफ्ट राइट साइड पे मूव करें तो ये मूव हो सकता है। इसको फिलहाल मैं इस कॉर्नर में कर देता हूं। अब अगर मैं स्केल करूंगा तो हमारी वीडियो इस कॉर्नर से स्केल हो, बेसिकली जहां पर हमारा एंकर पर्सन होता है उसी एंकर पर्सन के ऊपर ये टोटल टूल्स वर्क कर रहे होते हैं। मैं अब अगर इसको स्केल करता हूं तो ये देखें जिस कॉर्नर के अंदर मैंने एंकर पर्सन को रखा हुआ है उसी जगह से जूम हो रहा है। अगर मैं इसको रीसेट कर देता हूं, अभी मैं इस एंकर पर्सन को पकड़ के यहां पर कर देता हूं और फिर से स्केल करके देखता हूं तो ये देखें जहां पर मेरा एंकर पर्सन होगा वहीं से स्केल होगा। मैं इसको रीसेट कर देता हूं, अब हमारा एंकर पर्सन सेंटर में है। अब अगर मैं स्केल करूंगा तो हमारी वीडियो सेंटर से स्केल हो रही है, ये देख रहे हैं। एंकर पर्सन आपको समझ में आ गया, इसको किसी भी कॉर्नर में किसी भी पॉइंट के ऊपर ले जाकर आप यूज कर सकते हैं। उसके नीचे हमें मिल जाता है रोटेशन, रोटेशन का बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आपको फिर से एक आइकन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर अगर हम माउस से लेफ्ट क्लिक करते हैं तो ये एक छोटा सा सर्कल बना हुआ हमें दिखाई दे रहा है। हम इसकी काउंटिंग के ऊपर माउस से लेफ्ट क्लिक करके रखते हैं और लेफ्ट राइट साइड पे इसको मूव करेंगे तो ये आप देख सकते हैं हमारी वीडियो रोटेट हो रही है। इसको मैं रीसेट कर देता हूं और इस सर्कल के अंदर अगर मैं माउस से लेफ्ट क्लिक करके रखता हूं, इसके अंदर ये छोटा सा आइकन दिखाई दे रहा है आपको, इसको पकड़ के मैं मूव करूं तो फिर भी हमारी वीडियो रोटेट हो रही है। मैं इसको फिर से रीसेट कर देता हूं और ये नीचे हमें मिल जाता है एंकर पॉइंट। अगर हम इसको मूव करेंगे तो इससे हमारी वीडियो, ये देख रहे हैं आप, जिस साइड पे हम मूव करेंगे एंकर पॉइंट की उस साइड पे वीडियो मूव हो रही है। इसको मैं रीसेट कर देता हूं और नीचे आपको एंटी फ्लिकर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। एंटी फ्लिकर बेसिकली क्या चीज होती है, जैसे हम एडिटिंग की क्लासेज में जाएंगे वहां पर हमें कोई वीडियो मिलेगी जिसके अंदर फ्लिकिंग हो रही होगी तो उसकी फ्लिकिंग को खत्म करने के लिए हम एंटी फ्लिकर को यूज करेंगे। मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और इसके नीचे हमें मिल जाता है ओपेसिटी।
ओपेसिटी क्या करती है? ओपेसिटी से हम फेड दे सकते हैं वीडियो को, काफी ज्यादा काम ले सकते हैं। जैसे हमारी कोई वीडियो स्टार्ट हो रही होती है तो ब्लैक से स्टार्ट हो रही होती है, जैसा कि मान लें ये हमारी वीडियो बिल्कुल एज से प्ले हो रही है। मैं चाहता हूँ यहाँ तक जब हमारी काउंटिंग पहुंचे तो हमारी वीडियो प्रॉपर दिखाई दे, उससे पहले ये ब्लैक से स्टार्ट हो। तो मैं यहाँ पर ला के इस क्लिप को सिलेक्ट करूंगा और ओपेसिटी के ऊपर माउस से लेफ्ट क्लिक करूंगा। इसके ये आप देख रहे हैं बिल्कुल लेफ्ट साइड पे ना एक वॉच का आइकन दिखाई दे रहा है। ये जितने भी हमारे ऑप्शन है सभी ऑप्शन के अंदर ये वॉच का आइकन दिखाई दे रहा है। आप वॉच के आइकन के ऊपर माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी टाइमलाइन के अंदर एक पॉइंट ऐड हो चुका है, ये आप देख रहे हैं। और बिल्कुल इसके सामने आपको ये पॉइंट का आइकन दिखाई दे रहा है और फॉरवर्ड और रिवर्स के दो आइकन दिखाई दे रहे हैं। और मैं इसको पकड़ के लेफ्ट साइड पे कर देता हूं और यहां पर दोबारा से मुझे एक पॉइंट ऐड करना है तो मैं इस पॉइंट के ऊपर माउस से लेफ्ट क्लिक करूंगा। अगर मैं फिर से इस वॉच के आइकन के ऊपर माउस से लेफ्ट क्लिक करूंगा तो इस लेयर के ऊपर जितने भी पॉइंट लगे हुए होंगे वो टोटली इरेज हो जाएंगे। मैं फिर से इसके ऊपर माउस से लेफ्ट क्लिक कर देता हूं और अब ये हमारी स्टार्ट की ओपेसिटी है। मैं स्टार्ट में ओपेसिटी को जीरो कर देता हूं और इस पॉइंट को माउस से लेफ्ट क्लिक करके रखता हूं और लेफ्ट साइड पे मूव कर देता हूं। ये बिल्कुल स्टार्ट में पहुंच गया हमारा पॉइंट, स्टार्ट से ब्लैक हमारी वीडियो स्टार्ट हो रही है, ये आप देखें ये ब्लैक से हमारी वीडियो स्टार्ट हुई। स्टार्ट में हमने फेड लगा दिया, आप देख रहे हैं ये ओपेसिटी इस काम आती है। और इसके अलावा काफी ज्यादा काम आती है ओपेसिटी हमारी ट्रांजैक्शन फिल्टर्स के अंदर या एडिटिंग के अंदर। हम जैसे जैसे इसको यूज करेंगे मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाता जाऊंगा, फिलहाल मैं आपको ये दिखा रहा हूं ये वाले ऑप्शंस होते हैं। आप इनके साथ खेलें, इनके ऊपर वर्क करें, आहिस्ता आहिस्ता आप इसको समझ जाएंगे। और यहाँ पर आपको मार्क्स क्रिएट करने के कुछ आइकन दिखाई दे रहे हैं, ये आप देख रहे हैं एलिजिबल मार्क्स। और इसके साथ आपको ये पेन टूल वगैरह मिल जाता है, आप अपनी वीडियो के अंदर से किसी भी चीज को मैन्युअली सिलेक्ट करके मास्क क्रिएट कर सकते हैं। ये मास्क क्रिएट कैसे करते हैं, इसको कैसे कैसे यूज करते हैं, ये मैं प्रॉपर डिटेल्स में समझाऊंगा आपको, फिलहाल ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। मास्क के ऊपर प्रॉपर अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, वो आप देख लीजिएगा, उसके अंदर मैं प्रॉपर चीज ये समझा दूंगा। और इसके नीचे हमें मिल जाता है ब्लेंड मोड। ब्लेंड मोड हम किसी भी वीडियो को ब्लेंड कर सकते हैं, जैसे हम फोटोशॉप के अंदर पिक्चर्स वगैरह को ब्लेंड कर रहे होते हैं, इसी तरीके से हम यहाँ पर ब्लेंड करके क्रिएटिव कर सकते हैं अपनी वीडियो को। और इसके नीचे हमें मिल जाता है टाइम रीमैपिंग। टाइम रीमैपिंग बहुत ही जरूरी चीज है, इसके ऊपर एक स्पेशली वीडियो अपलोड करूंगा मैं, उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, उसके अंदर आपको ये पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो ये जितने भी हमारे ऑप्शन हैं इनके साथ आपको यहाँ पर वॉच का आइकन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर हम माउस से लेफ्ट क्लिक करें तो ये पॉइंट ऐड हो जाता है। किसी भी पॉइंट को हम ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें रोटेट करना है तो रोटेट का पॉइंट लगाएंगे, हमें स्केल करना है तो स्केल का पॉइंट लगाएंगे। और अगर हमने ऐसे काफी ज्यादा चीजों को मूव कर लिया है और हम चाहते हैं कि जो भी चीजें हमने मॉडिफाई की हैं वो सब के सब एक साथ रीसेट हो जाए, रिटर्न अपनी पुरानी पोजीशन के ऊपर पहुंच जाए हमारा क्लिप, तो इसके ऊपर आपको ये मोशन के बिल्कुल सामने आपको रीसेट इफेक्ट का आइकन दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसके ऊपर माउस से लेफ्ट क्लिक करता हूं तो मेरी टोटल पोजीशन रीसेट हो गई। और ये जितने पॉइंट ऐड किए हुए हैं हमने, एक तो इसको डिलीट करने का तरीका ये होता है कि इसको हम माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे, सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करेंगे तो हमारा पॉइंट डिलीट हो गया। और उसके अलावा दूसरा मेथड है, अगर आपने यहां पर काफी ज्यादा पॉइंट ऐड किए हुए हैं और सभी को डिलीट करना चाहते हैं तो माउस से लेफ्ट क्लिक करके रखेंगे, ऐसे सभी पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर देंगे तो टोटल पॉइंट्स डिलीट हो जाएंगे। यहां से आप अपने टोटल इफेक्ट कंट्रोल को रीसेट कर सकते हैं इस आइकन से। और उसके अलावा टोटल ऑप्शंस के बिल्कुल सामने आपको रीसेट का आइकन दिखाई दे रहा है और बिल्कुल उसके साथ ये आपको यहां पर एक पॉइंट का ऑप्शन दिखाई देता है और फॉरवर्ड और रिवर्स का आइकन दिखाई दे रहा होता है। फॉरवर्ड और रिवर्स का जो आइकन होता है, फॉर एग्जांपल ये दो पॉइंट मैंने ऐड किए हुए हैं और मैं इस पॉइंट पे हूं और मुझे इसके बाद नेक्स्ट वाले पॉइंट पे आना है, एक तो मेथड ये होता है मैं यहां से प्ले हेड को पकड़ के मैन्युअली यहां पर लाऊं तो बाजूकात ऐसा होता है कि पॉइंट की एग्जैक्ट पोजीशन के ऊपर नहीं पहुंच रहा होता, तो बिल्कुल इसके साथ ही आपको फॉरवर्ड और रिवर्स के आइकन दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं इसके ऊपर माउस से लेफ्ट क्लिक करता हूं तो ऑटोमेटिकली इस पॉइंट के ऊपर मेरा प्ले हेड पहुंच जाएगा, और अगर मैं फॉरवर्ड करना चाहता हूं, फॉरवर्ड वाले पॉइंट के ऊपर आना चाहता हूं, तो मैं यहां से फॉरवर्ड वाले आइकन के ऊपर माउस से लेफ्ट क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर पहुंच जाऊंगा। फिल्म्स प्रोडक्शन प्रोडक्शन पीएस फिल्म्स प्रोडक्शन।